ना चलेगा तो चल देंगी राहें। ट्रेन जर्नी में आप सभी का स्वागत है। तो सलाम नमस्ते, मैं हूँ ऋषि और आप देख रहे हैं उड़ान एक्सप्रेस पार्ट टू। पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप उसको भी देखिए। उसमें जबरदस्त मैं दिखाया है कटिहार से लोनावला के बीच में जो घाट सेक्शन है, कटिहार घाट सेक्शन या गोर घाट बोलते हैं, मज़ा आएगा। और ये पार्ट टू मैंने बताया था सोलापुर से शुरू होगा। है बाहर कोई है नहीं तो मास्क तो कर लेते नीचे। और बता दूं मैं थैंक गॉड कर्जात पे जो मैंने बड़ा पाव ले लिया था और मेरी किस्मत अच्छी थी, बहुत लोग को नहीं मिल पाया क्योंकि ट्रेन खुल गई थी। ये तो यार पका पकाया कुछ मुंबई से खुलने के बाद डाउन जंक्शन तक पका पकाया खाना कहीं भी नहीं मिल रहा था। वो मज़ा उस वाले उड़ान एक्सप्रेस में था कोविड 19 के पहले जो मैंने जर्नी की थी, वो वाला मज़ा इसमें नहीं मिल रहा। सभी लोग डरे डरे सहमे सहमे हुए और ये नहीं मिल रहा है, इसका ज़्यादा दिक्कत है। केले तो दिख रहे हैं, केले ले लेते हैं।
मुझे उम्मीद है कुछ पका पकाया खाने का आइटम मिलेगा। भाई लग गई जबरदस्त भूख, अगर नहीं मिलेगा तो केले ले लेंगे। पाव ये क्या, इसमें क्या है? अंडा बिरयानी वेज वेज। हाँ वेज। वेज कितना? वेज बिरयानी लिया है। अग्रवाल कैटरर्स के सामने कितनी भीड़ लगी हुई है, गजब की। सोलापुर स्टेशन कोड SUR, 5 प्लेटफॉर्म है, 92 ट्रेन रोजाना रुकती है और 16 ट्रेन ओरिजिनेट होती है, 16 टर्मिनेट सोलापुर से। और सोलापुर जाना जाता है अपने चादर, हैंडलूम, पावर लूम और बीड़ी इंडस्ट्रीज के लिए सोलापुर। लेकिन गजब की भूख लगी थी अभी, पहले तो जाते पेट पूजा करूँगा। गरम गरम है, दिखाता हूँ कैसा है बिरयानी। वहाँ पर आपको इडली मिल जाएगा, सांभर बड़ा भी मिल जाएगा। इसको रखते चलते हैं प्लेटफॉर्म पे, देखते हैं कुछ और। यहाँ पे देखिए वॉशरूम को साफ किया जाएगा। चलिए दो समोसे भी ले लिए, दो समोसे भी ले लिए। अभी तो ये हाल है कि जो मिले ले लो। ट्रेन की सिग्नल हो चुकी है सोलापुर से। अब कोई टेंशन नहीं है यार, तुम आधे घंटे लेट खोलो। ट्रेन हमारी देख रहे हो सोलापुर से रवाना हो चुकी है। समोसे ले लिया है, सुबह के दो बड़ा पाव खाए थे, वो कब का डाइजेस्ट हो चुका है। देखने में तो यार अच्छा लग रहा है बिरयानी, वेज है ना। और मैंने पहले एक बिरयानी लेने का सोचा था, फिर मैंने मना कर दिया क्योंकि आप देख रहे हो मेरे हाथ में जो बंधा हुआ है, अब इसको खोलना पड़ता। समोसे ठंडी है, और अभी यह ठंडी रहे या गर्म रहे जो मिल जाए ठंडा जाएगा। अभी बिरयानी टेस्ट करते हैं। बिरयानी का टच सही है, गरम भी है। गोभी है और एक है शिमला मिर्च।
स्टेशन को KLBG, पहले कलबुर्गी का नाम गुलबर्गा हुआ करता था, बाद में इसका ऑफिशियल नेम चेंज हुआ कलबुर्गी हो गया है। यहाँ टोटल 4 प्लेटफॉर्म है, 81 ट्रेन पर डे रुकती हैं और 4 ट्रेन ओरिजिनेट होती है, 4 टर्मिनेट कलबुर्गी से। और मैं खोज रहा हूँ कहीं चाय, गरम गरम चाय या कॉफ़ी मिल जाता, मज़ा आ जाता। मैं चाय दे चाय और चलिए, चाय भी बहुत अच्छी लग रही है, बाकी चाय कुछ अच्छी खुशबू और गर्म है, सही है टेस्ट। और ठीक हमारे बगल में आई है हैदराबाद मुंबई कोविड स्पेशल ट्रेन जो मुंबई जा रही है, और ट्रेन हमारी कलबुर्गी से रवाना हो चुकी है। हुसैन सागर एक्सप्रेस जो हैदराबाद और मुंबई के बीच में चलती है जस्ट आई है अभी। कलबुर्गी के पास जो चाय पी थी शाम के समय, अच्छा चाय मिल गया। अब देखते हैं आगे की जर्नी में डिनर के समय डिनर मिल पाता है या नहीं। ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है वाडी जंक्शन, स्टेशन कोड WADI। इस स्टेशन पे वाडी सिकंदराबाद लाइन मिलती है मुंबई चेन्नई लाइन से। और थोड़ा सा हमारी पहुंच यहाँ पे लाइट कम है, और यहाँ पे टोटल 4 प्लेटफॉर्म है, 84 ट्रेन का रोजाना हॉल्ट है, पर डे हॉल्ट है। एक ट्रेन ओरिजिनेट होती है, एक टर्मिनेट वाडी जंक्शन से। वाडी फेमस है अपने लाइम स्टोन्स के लिए, और आपको ACC सीमेंट का यहाँ पे 2 प्लांट भी लगा हुआ है अपनी कोच में। अब फर्स्ट AC आप देख लो, फर्स्ट AC तो पूरा खाली है भाई, इसी में ट्रैवल करेंगे, क्या बोलते हो। और वाडी जंक्शन पे भी मैंने देखा था, हमारी कोच तो बहुत आगे आ गई है, पीछे आपको ब्रेड आमलेट और कुछ बिरयानी टाइप का रखे हुए थे पका पकाया। जैसे ये हमारे भाई साहब कुछ लेके आए हैं, मैं भी सोच रहा हूँ अगर बड़ा पाव मिलता है इधर मिलता तो ले लेते, बट बहुत पीछे है। और यहाँ पे ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। ट्रेन हमारी पहुँच चुकी है यादगीर, और मैं खोज रहा हूँ कुछ खाने पीने का जुगाड़, पर मुझे नहीं लगता यहाँ कुछ मिलने वाला है। और हमारी कोच भी इतनी आगे है, कुछ मिलता भी है तो पीछे रह जाता है। अब बारिश देखिए, बारिश हो रही है, उतरना बेकार है। और अभी जो चल रहा है ये कोरोना का जो महामारी, तो भीगने से बचिए, कहीं भीगेगा सर्दी हो जाएगा, फालतू का टेंशन, एक दिमाग में टेंशन बैठ जाएगा। क्या भाई ये बोल रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो आप? बैंगलोर। बैंगलोर के रहने वाले हो? नहीं, पुणे के रहने वाले हो। अब रायचूर में देखते हैं, रायचूर जंक्शन बड़ा रेलवे स्टेशन है, अगर वहाँ कुछ मिलता है तो वहाँ देखते हैं क्या मिलता है, फिर कुछ लेते हैं। और ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है कृष्णा रेलवे स्टेशन, और यहाँ भी देखिए बारिश हो रही है।
कृष्णा रेलवे स्टेशन और लाइट कट गई। ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है रायपुर स्टेशन कोड 8C। यहाँ पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म है, 77 ट्रेन का पर डे हॉल्ट है। 5 ट्रेन ओरिजिनेट होती है और 5 ट्रेन खाने पीने के लिए मिलेगा पका पकाया, पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ तो चिप्स और बिस्किट का पैकेट भी नहीं दिख रहा है। पूरे आपने देखा ही होगा, पूरा प्लेटफॉर्म पे एक भी स्टॉल नहीं है, ना चाय का ना कॉफ़ी का। रायचूर वन ऑफ द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ कर्नाटका, जो कृष्णा रिवर के किनारे बसा हुआ है। यहाँ का रायचूर फोर्ट, एक मीनार मस्जिद और श्री मार्कंडेश्वर टेम्पल रायचूर का मेजर अट्रैक्शन सिटी का। बाकी यहाँ पे बहुत सारे लोग उतरे हैं लेकिन मेरा काम नहीं हुआ। मैंने सोचा था कुछ खाने के लिए मिलेगा, अब पानी पी के बैंगलोर पहुँचना होगा। रात पे गुंडकाल जंक्शन आता है, देखते हैं वहाँ ट्राई करेंगे, अगर वहाँ नहीं मिलेगा तो सीधा बेंगलुरु। पेट को लगा ले भाई, मैंने जो सोचा था हुआ नहीं। अब गुंडकाल जंक्शन आता है रात में 12 बजे, देखते हैं वहाँ कुछ मिलता है। यहाँ तो यार एक बिस्किट का पैकेट भी नहीं था। पानी पियो, अब बेंगलुरु में ही होगा जो होगा। फॉरेस्ट करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं, हम मिलते हैं बेंगलुरु। अगर गुंडकाल जंक्शन के पहले नींद टूट गई तो हम लोग मिलेंगे गुंडकाल जंक्शन। गुड मॉर्निंग, और अभी चलिए टाइम देख लेते हैं, टाइम दिखा देता हूँ आपको। सुबह के बज रहे हैं 6:15, सुबह के 6:15 और 8 बजे हम लोग पहुँचेंगे बेंगलुरु सिटी। डिनर में कुछ नहीं मिला खाने के लिए, इवन दो बिस्किट और केक भी नहीं। पेट देख रहे अंदर चला गया। अच्छा स्टैचू है, देखिए सामने श्री राम भगवान, बजरंग बली भगवान से गले मिल रहे हैं। ये देखिए मॉर्निंग व्यू, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आधी से तूफान से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, तू न चलेगा तो चल देंगी राहें। मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। चले चले रे तारा, चलता चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना।
साथ बेंगलुरु का प्लेटफॉर्म नंबर 1 का नज़ारा देखें, कितना सन्नाटापन है। और हम लोग पहुंच चुके हैं बेंगलुरु सिटी। अनाउंसमेंट हो रहा है कि आप लोग फेस मास्क, आप बच्चों को फेस मास्क बांध के चले निकले। और बाकी हम लोग पहुंच चुके हैं और जर्नी, जहाँ तक जर्नी की बात है इस कोरोना काल में, तो ठीक ठाक था और ट्रेन भी यहाँ राइट टाइम आई है। बाकी तो आप जानते ही हैं कोरोना काल की ट्रेन जर्नी में क्या क्या आपको फैसिलिटी मिलने वाली है, थर्ड एसी हो या सेकेंड एसी हो या फर्स्ट एसी। और इसमें तो पेंटी का पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है। बाकी स्टेशन पे डिपेंड रहना पड़ता है, तो यहाँ खाने पीने में इस रूट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एग्जिट तो ये नाम बोल रहे हैं, आधार कार्ड सबको निकाल, आधार कार्ड दिखाना होगा आपको, आइडेंटिटी प्रूफ। और ट्रेन से उतरने के बाद जैसे मैंने दिखाया था लाइन लगी थी, जो लाइन लगवाई गई थी, लाइन इतनी लंबी हो गई कि दो तीन जगह लाइन लगवाए थे, तो वो धीरे धीरे मतलब लाइन बढ़ती गई। बाद में उन्होंने फिर अनाउंस किया जिसको अपना कोविड का चेक करवाना है वो लोग लगे, बाकी जा सकते हैं। तो हाथ में कहीं भी स्टैंप नहीं है, तो आप नॉर्मल कुछ नहीं है, नॉर्मल बेंगलुरु स्टेशन से आप यहाँ पे कोई क्वारंटाइन के लिए नहीं रख रहे, आप आराम से अपने घर जा सकते हो। बाकी आप मेरे पीछे देख रहे होगे कि यह सर बेंगलुरु। होप आपने ये जर्नी एंजॉय किया होगा, अच्छा लगा। एक तो लाइक बनता है, फिर मिलेंगे किसी नई जर्नी पे। तब तक के लिए सलाम नमस्ते।